Defense aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe to our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic that is related to Shanghai Cooperation Organization.

जैसे ऑफ़ डीएक्शन को लेके जो चाइना के साथ हमारे अभी यूक्रेन वॉर के बीच में काफी सारी कंट्रीज जो है वो क्यू अप में है टू ज्वाइन एस जो कि इंक्लूसिव और हाईलाइट था आ, किस चीज का क्योंकि जो नॉन वेस्टर्न सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है उसमें बेसिकली हाईलाइट हुआ अगर हम देखें डिस्पाइट जो बढ़ता हुआ इंटरेस्ट है एस का फ्रॉम रीजनल स्टेट्स जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है अब कौन कौन है इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स देखो एस के मेंबर्स एट है जिसमें से चाइना इंडिया कजाकिस्तान पाकिस्तान रशिया उजबेकिस्तान तजाकिस्तान है ईरान जो है वो एस को ज्वाइन करेगा ऑब्जर्वर्स की बात करें अफगानिस्तान बेलरस मंगोलिया ये ऑब्जर्वर है जो कि फॉलो कर रहे हैं तेहरान को डायलॉग पार्टनर्स की बात करें जो लिस्ट ऑफ करेंट एंड इन डायलॉग पार्टनर्स है जिसमें अजरबैजान इजिप्ट कतर सऊदी अरेबिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मालदीव्स नेपाल एंड श्रीलंका आते हैं आप मैप में देख सकते हो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज को बाय पॉजिंग द मैप ओके नेक्स्ट एस क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मेंबर कंट्रीज के बीच में एससीओ की अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें वी हैव बॉर्डर इश्यूज अठारह राउंड की टॉक हो गई है इंडिया और चाइना के बीच में दैट टू कमांडर लेवल मीटिंग बट कोई भी अभी ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया है। इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें टेररिज्म के उपर, जो है क्रिगिस्तान एंड तजाकिस्तान का बॉर्डर इशू की अगर हम बात करें ये जो एक्सकलेशन है कॉन्फ्लिक्ट की दोनों कंट्रीज के बीच में वो विटनेस की गई थी सेप्टेम्बर में और फिर अगेन नवम्बर दो में ठीक है ये जो कॉन्फ्लिक्ट उसमें पोटेंशियल है टू कॉज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी स्टेबिलिटी किसके सेंट्रल एशिया के और उसके नेबरिंग रीज में सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स है तालिबान लेड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में जिसकी वजह से जो बॉर्डर एरिया है दोनों कंट्रीज का वो अनस्टेबल है एस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रमोट करना पीस को यूरेशिया में और इसकी एबिलिटी जो है उसको अप करना विद इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्स अमंग मेंबर इन अंडर स्क्रूटनी नेक्स्ट अगर बात करें व्हाट आर द चैलेंजेस दैट हैज बीन फेस्ड चाइना का बढ़ता हुआ राइस देखो चाइना का राइस जो है वो बढ़ रहा है और जिसकी वजह से चाइना की जो इमर्जेंस है वो डॉमिनेट फोर्स में है इन एशिया में इसकी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर है दूसरे रीजनल पावर जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया जो सॉर्ट करना चाहता है या फिर हम कहे चाइना का बढ़ता हुए राइस को कंटेन करना चाहता है और उसके इन्फ्लुएंस को भी लिमिट करना चाहता है देन लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देखो एससीओ के पास नंबर ऑफ बॉडीज है जैसे काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉरन अफेयर्स, काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ये बॉडी जो है वो लैक करती है फॉर्मल डिसीजन मेकिंग में और एनफोर्समेंट पावर में जो कि जरूरी है फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस एस सी ओ लैक करता है फॉर्मल मैकेनिज्म जिससे हम डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं मेंबर स्टेट्स के बीच में अब देखें तो डायवर्जन इंटरेस्ट एंड डिसएग्रीमेंट्स की बात कर लेते हैं एस जो है वो इंक्लूड करता है मेंबर स्टेट्स, वो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम इकोनॉमिक मॉडल स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज जैसे सीपेक है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स होते हैं जियोग्राफिकल स्कोप

कल्चरल कॉपरेशन की बात करें टोटल कल्चरल हेरिटेज जो है एससीओ की एससीओ के मेंबर स्टेट की ऑब्जर्वर्स की पार्टनर्स की वो इंक्लूड करती है एससी के मेंबर कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो डेजिग्नेट करेंगे as year, जिसमें रोटेटिंग इनिशिएटिव होगा काशी वाराणसी को डेजिग्नेट किया गया है फर्स्ट कल्चरल कैपिटल ऑफ अंडर दिस इनिशिएटिव काउंटर टेररिज्म की बात कर लेते हैं

मेरा मन करता है कि मैं कॉन्टीन्यूटी में कंटेंट प्रोवाइड करूँ बट द प्रॉब्लम इज दैट जो आपकी जैसे एक्सपेक्टेशन है मुझसे कि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट करती रहू सेम एक्सपेक्टेशन मेरी भी है आप लोगों से कि आप एटलीस्ट कुछ नहीं तो कमेंट्स लाइक्स एंड शेयर कर दीजिए करें इससे क्या होगा कि मैं भी अपना ज्यादा टाइम इस चैनल को दे सकती हूँ और बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो दिस चैनल लाइक नॉट इन टर्म्स फॉर माई सेल्फ बट आपके लिए भी कि मैं डेली कंटेंट प्रोवाइड कर सकू सो so, अगर आप मेरी हेल्प करोगे मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी ओके सो थैंक यू एवरी